party. Ruby Joseph here. Hello, Semiloka. Ruby Joseph Yape. I'm so happy to once again meet you. Main bahut khush hu aap sabon se milne ke liye. Today I'm going to speak about an enchanted net. Aaj main aapke saath mein ek jo mantra mara raha jo jaal hai uske bare mein baat karne wali hu. I would like you to know that Satan is adamant on killing people. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शैतान वो लोगों को मारने के पीछे ही पड़ा है एंड ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय पीपल टोटली. उसको इंसानों को पूरी तरह से नाश करना है. वाई? बिकॉज जीसस लव्स ईच एंड एवरीवन एंड ही हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें उसकी तरह बनाया है और खुदा यीशु मसीह हम सबको बहुत प्यार करता है. इसके लिए शैतान हमसे नफरत करता है. And he wants to drag each and every one of us into hellfire. और वो हमको सबों को मार के नरक में लेके जाना चाहता है जहाँ पर अग्नि में जलते रहते हैं. And he doesn't bother about whether you are losing a son, your daughter, your small child or any loved one person. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कोई कुछ नुकसान हो रहा है, आपका बच्चा गुजर रहा है, आपकी बेटी गुजर रही है, आपके छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे हैं या माँ बाप गुजर रहे हैं. उसको उससे कोई लेन देन नहीं है. ही नोज ओनली वन थिंग टू किल एंड डिस्ट्रॉय. उसको एक ही चीज़ मालूम है कि नाशघात करना है और जान से मारना है. अदर देन दैट ही डजंट नो एनीथिंग. उसके सिवाय उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है. He will never love you. वो कभी तुमको प्यार नहीं करेगा. On the contrary, he will squeeze your blood and drink and give to others also. लेकिन वो दूसरे तरीके से वो आपका खून पिएगा और दूसरों को भी पीने के लिए देगा. This is his reality. ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है. Now this net, you can find it in all the big places. As I told you, malls, shops, sale areas, marketplaces where there is a heavy rush, or there is another thing, Disney World or a fun fair. Likewise, in such places, these nets are used. ये जो जाल है वो जैसे ना बड़ी बड़ी दुकानों में जहाँ पे बहुत गर्दी है, जहाँ पे सेल लगा है, जहाँ के बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. दिस नेट इज दैट मीन्स इट इज कैरिड बाई अगेन बाई पीपल ओनली टू पीपल. ये जो साधारण दिखने वाला जो जाल है वो भी दो लोगों के लोग उसको लेके जाते हैं. एंड there when the net will catch hold of any person, the net will vanish off, and thereafter then you will, that is, it will catch a person and then vanish off. वो ये जो जाल है वो एक इंसान को पकड़ लेता है और भाग जाता है और वापस आता नहीं है, दिखाई नहीं देता. ना वो दिखाई देता है, ना इंसान दिखाई देता है जिसको उसने पकड़ा होता है. So, and this net, it has got the habit of squeezing the person to such an extent, giving pressure on the body of the person, that finally the person becomes, it bends and it becomes so small and that it cannot breathe also, and the person loses its his or her life. और ये जो जाल है वो इंसान को इस तरह से मरोड़ता है कि इतना मरोड़ता उसको कि आखिर में उसकी जो सांस लेने को भी नहीं आता है और वो उधर वहाँ भी मर जाता है, वो अपनी जान गंवाता है. आई विल टेल यू अ ट्रू इंसिडेंट. एक सही यानी जो जिंदा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. देर इज ऑल द टाइम ए सेल गोइंग ऑन. इट यूज कम एंड द सेल विल बी देयर ऑन द अपोजिट ग्राउंड ऑफ ईटन कंपनी. And there will be so much, it will be a big sale market. ये जो ईटन कंपनी के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे एक सेल लगता है. अलग अलग तरीके के सेल लगते हैं. So once my neighbor, while I was in Monica building, once of my neighbor, they forced me to come and see what all is there in this
मार्केट में। मेरे जो पड़ोसी है उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, चलो चलो हम जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा है। सो एज यू वेंट टू द मॉल देर वॉज हैवी लाइटिंग एंड देर वॉज थिक स्मोक कमिंग फ्रॉम ऑल द एरियाज आउटसाइड देर वेर कप्स एंड सॉसेस ऑफ वेरियस डिफरेंट नो डिजाइंस एंड ऑल। और जो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे बहुत सारे लाइटिंग्स थे, धुआं आ रहा था और वहाँ पे बाहर साइड में बहुत सारे कप सॉसर और केटलियाँ रखी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग डिजाइन्स में थे। एज वी एंटर्ड इन देर आर सो दिस आर्ट द शॉप्स वेर देर ऑफ ऑल डिफरेंट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। जब हम अंदर गए तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के गहनों के दुकानें थी, मॉल लगे, छोटे छोटे दुकान लगे हुए थे। देन द क्लॉथ स्टोर एंड द वेसल्स एंड द इंसेंस एंड सो मेनी थिंग्स वेर देर। और अंदर की गए जगह में कपड़े थे और वो दूसरी चीज़ें थी और अगरबत्तियों की वेराइटीज थी, मसाले थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। So as I entered, I just began to cover everyone and everything under blood of Jesus. जैसे ही मैंने अंदर गई, मैंने सब चीज़ों को, हर एक को खुदा यीशु मसीह के लहू में छिपाया। I had no idea that the net has caught someone and got under the table of one of the person. मुझे पता नहीं था कि ये जो जाल है, इसने एक बच्चे को पकड़ा और वो एक किक टेबल के नीचे अंदर चला गया है वो। एंड द पर्सन हुज टेबल इट वाज, ही वाज सर्चिंग फॉर हिज ग्रैंडसन। जिस टेबल के नीचे लड़के को पकड़ के वो जाल लेके गया, उस टेबल का जो मालिक था वो अपने नातू को ढूंढ रहा था। ही वॉज आस्किंग एवरी वन, माई ग्रैंड सन इज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, आई डोंट नो वेर इज गॉन, इज सर्चिंग एवरीवेयर बट ही कैन नॉट लीव हिज स्टॉल ऑल्सो। वो घबराया हुआ था, वो सब उनको पूछ रहा था कि मेरा नातू है, 8 साल का ही है, तुमने कहीं देखा है क्या? लेकिन उसके दुकान को छोड़ के नहीं जा सकता था वो। एंड व्हेन आई केम नियर टू हिज स्टॉल आई कुड सी समथिंग लाइक नो दैट क्रैब्स, दे टाई द क्रैब्स एंड देन द क्रैब्स द मूवमेंट Likewise, I saw it under his table because the table was totally covered. So only little bit of part I could see shaking and moving. So I covered it in blood of Jesus. I said, "Whatsoever is there, I covered it in blood of Jesus." तो मैं जब उसके टेबल के यहाँ पे आई तो वहाँ पे नीचे जैसे कि केकड़े बांध के रखते हैं उस तरह से मुझे दिखाई दिया और वो हिल रहा था, तो मैं बहुत डर गई और इसीलिए मैंने उसको सारी चीज़ों को खुदा ने यीशु मसीह के लहू में छिपाया। To my surprise and to this man's surprise, a boy came out of that net and he stood next to his grandfather. He said, "Dada, Dada." He said, in our India, it is said Dada. That means grandfather. This auntie, she prayed for me so I could be set free from this net, and I'm here now. And वो जो लड़का उस जाल में से निकला, एक छोटा बच्चा निकला और उसके दादा के पास में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये आंटी मेरे लिए प्रार्थना करी, इसके लिए मैं बच गया, मैं निकला और मैं यहाँ आपके बाजू में खड़ा हूँ। द ग्रैंडफादर वाज शॉक्ड, उसको जो दादा था वो बहुत शॉक में हो गया है। ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, उसको वो मालूम है कि क्या होता है, व्हेन हाउ थिंग्स आर यूज्ड, किस तरह से लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको मालूम था। ही नोज हाउ दिस नेट वुड हैव किल्ड हिज ओन ग्रैंडचाइल्ड, उसको मालूम था कि ये जो नेट है, जाल है, उसके अपने ही नातों को किस तरह से जान से मार देगा। ही वॉज सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड ही जस्ट सैल्यूटेड मी एंड ही सेड, अदर देन दिस आई कांट डू एनीथिंग बट आई जस्ट गिव यू थैंक्स। उसने मेरे से नमस्कार किया और उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, इसके ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। एंड देर वर टीयर्स इन हिज आईज एंड ही वाज वीपिंग, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत धन्यवाद दे रहा था। एंड देयर आफ्टर देन ही बिगन टू थिंक अबाउट इट दैट ऑल ऑफ अस, ऑल दिस पीपल, दोस हु आर वर्किंग विद हिम, दे डिड दिस डर्टी प्ले। तो उसको सोचना चालू किया कि जिन जिन लोगों के साथ में वो काम कर रहा है उन्हीं में से किसी ने उसी के नातों पर जाल डाला। ही वॉज अपसेट, उसको बहुत बुरा लगा।
And thereafter then he began to think about it, that he saw me carefully and he came to know that I am a Christian. उसको वो सोच रहा था और वो बहुत इससे देख रहा था कि ये क्या है करके, इसने ये कौन है जिसके वजह से मेरा बेटा बचा और उसको पता चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ. एंड हाउ वाज दैट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस. और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ये क्रॉस मेरे गले में था. इसलिए देर आर मुस्लिम, दे ऑल्सो डोंट पुट टिक्का एंड ऑल एनीथिंग. So you can't find make the difference between Christian and Muslim. तो मुस्लिम्स लोग भी टीका नहीं लगाते, तो आप मुस्लिम और क्रिश्चन का ये डिफरेंस नहीं पहचान सकते हैं. एंड देर आफ्टर ही बिगैन टू टेक द नेम ऑफ जीसस कंटिन्यूसली एंड ही वॉज गिविंग थैंक्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कंटिन्यूसली. और उसके बाद में वो खुदा यीशु मसीह का नाम लेना चालू किया और खुदा ने यीशु मसीह को पूरा वक्त धन्यवाद देना चालू किया. His neighbor said that, Ani, if you are taking the name of Jesus, you will have a loss for your business. और उसकी जो पड़ोसी ने कहा कि अरे तो खुदा यीशु मसीह का नाम ले रहा है, तेरा बिजनेस डूब जाएगा. No one will buy things from you. कोई भी तेरे पास से कोई भी चीजें खरीदेगा नहीं. But it happened opposite way. लेकिन दूसरी तरह से हुआ. People began to come to his stall and inquire and purchase. लोग उसके स्टॉल के पास आना चालू करे और उन्होंने चीजें देखा और खरीदना चालू हुआ. So this is the way how Satan works. He will never do anything good. वो इस तरह से Satan काम करता है और कभी भी कोई चीज अच्छा नहीं करता. Whenever anything happens, whenever you feel disturbed or you feel anything, just cover yourself. Cover everything in the blood of Jesus. जब कभी भी आप बेचैन होते हैं, आप कोई चीजें देखते हैं, आपको कुछ चीज ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, उसी वक्त खुदा यीशु मसीह के लहू में आप खुद को और सब चीजों को ले लीजिए. और ये कहिए इन द आर एस एंड यू स्पीक लाइकवाइज इन द नेम ऑफ जीसस आई कवर माय सेल्फ एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग अंडर द ब्लड ऑफ जीसस. आप इस तरह से कहिए कि खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं खुद को और मेरे सारे लोगों को और सारी चीजों को कवर करता हूँ. सो आई लव यू. नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक टू यू मोर अबाउट वेरी डिफरेंट थिंग्स. लव यू.